नमस्कार स्वागत है आप सभी का काफ़ी दिनों से लगातार पेपर में खबरें निकल रही थी पीटी एग्ज़ाम के लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूपी ट्रिपल एस के द्वारा कराया जाएगा जिसमें जितनी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में परीक्षाएं आती हैं सभी के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसमें जो सफल होंगे उनकी मेरिट के आधार पर जो आगे पोस्ट वाइज वैकेंसीज आएंगी उनमें जो है उन अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देने का मौका मिला तो इसके लिए जो है एक प्रस्ताव यू पी टीप एस सी ने शासन को भेजा था जो शासन की मंजूरी से आज जारी हो चुका है सिलेबस अब जारी हो गया है तो देखते हैं सिलेबस में क्या है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम जो है मई तक जो है होने की संभावना है अप्रैल मई तक होने की संभावना है इसलिए निश्चित रूप से आप ये जानते हैं कि 26 मार्च को जो है चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में जैसी जो है पेपर में खबरें और सरकार के द्वारा संभावना दिखाई दे रही है तो 26 मार्च को अगर जो है पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होती उससे पहले ही यूपी ट्रिपल सी हम ये प्रयास करेगा निश्चित रूप से जो है ये लगभग 100 परसेंट जो है तय है कि पीटी का विज्ञापन आ जाएगा और मई में या जून में मैक्सिमम इसका एग्ज़ाम हो जाएगा क्योंकि पूरा अप्रैल तो चुनाव में चला जाएगा उस समय कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो आज देख सकते हैं आप जो है बीस 20 फरवरी दो को जो है ये अधिसूचना जो है जारी की है यूपी ट्रिपल एस ने जो है और इसमें जो एक शासनादेश के साथ में पूरा पाठ्यक्रम दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि पीटी परीक्षा के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम का पूरा अनु अनुमोदन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है अब इस पाठ्यक्रम में क्या है ये सब हम डिटेल में जानते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में हम समझते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीटी के लिए ऑलरेडी हम लोग कोर्स लॉन्च कर चुके हैं काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेकिन अब सिलेबस स्पेसिफाई हो गया है तो हम अपना जो है प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर लेंगे और जो लोग पीटी ज्वाइन करना चाहते हैं पीटी का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो नाइन फाइव जीरो सिक्स सेवन फोर टू फाइव फोर सिक्स पर पीटी ज्वाइन पीटी लिखकर जो है व्हाट्सएप कर दीजिए इस क्रैश कोर्स में सभी सब्जेक्ट्स का जैसा आपका सिलेबस है डिक्टो उस तरह के सभी के वीडियो कोर्स जो है आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे नोट्स दिया जाएगा और साथ में पूरी की पूरी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर कोई भी लाइव क्लास नहीं होती है ऑफ़लाइन जो है सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज्वाइन पीटी लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए आपको रिप्लाई में सारी बात बता दी जाएगी तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये सिलेबस में क्या है जिसको लेके इतने दिन से इंतजार हो रहा था तो जैसा कि पेपर में भी निकला था सौ प्रश्न रखे जाएंगे इनका पूर्णांक भी सौ होगा दो घंटा इसकी परीक्षा अवधि होगी सबसे अच्छी बात जो इसमें यह है आप लोगों के लिए कि पहली बार पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसके सारे टॉपिक्स खोल दिए हैं यूपी ट्रिपल ट्रिपलसी ने जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और अगर इसको पूरा एक ओवरव्यू हम देखें तो इसमें सौ में से तो आपको जीके से जो है लगभग 50 से 55 प्रश्न 50 प्रश्न जो इसमें मिलने वाले हैं जो सबसे बड़ा सेगमेंट होगा और इसमें करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न भी शामिल रहेंगे हिस्ट्री के पांच क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के पांच क्वेश्चन ज्योग्राफी के पांच इंडियन इकोनॉमी के पांच कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के पाँच साइंस के पाँच जो है और उसके अलावा सामान्य जानकारी यानी जीके के पाँच और करंट अफेयर्स के दस तो इस तरह से कुल पचपन क्वेश्चन यानी जीके का जो है सबसे बड़ा वेटेज होगा इस पूरे सौ नंबर के या सौ क्वेश्चन के पेपर में तो जल्दी से जो है नज़र डालते हैं हम जो है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको चैप्टर बिल्कुल खोल के बता दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति जैन धर्म बौद्ध धर्म मौन वंश गुप्त वंश हर्षवर्धन राजपूत काल इसके अलावा सल्तनत काल मुगल काल मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव ये सब तो हिस्ट्री में हो गया उसके अलावा जो है जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है राष्ट्रीय आंदोलन वाला इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट उन्नीस पैंतीस भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे संबंधित प्रश्न जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है आपसे पूछे जाएंगे यानी कि आपको जो है अब बुक से यही जो है टॉपिक सीधे सीधे तैयार करने हैं और इसके अलावा जो है आपको बाकी इधर उधर ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसी तरह से जोग्राफी में बिल्कुल सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देख सकते हैं कि सारे सिलेबस यहाँ पर बिल्कुल खोल के लिख दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है आपकी तैयारी इससे जो है बिल्कुल टारगेटेड तैयारी आप कर सकते हैं और इधर उधर आपको भटकाव की ज़रूरत नहीं है पहले केवल सब्जेक्ट का नाम लिख दिया जाता था उसमें कौन से टॉपिक्स आएंगे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता था पॉलिटी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पाँच नंबर की आएगी इसके अलावा जनरल साइंस पाँच नंबर का आएगा यानी सीधे सीधे पाँच क्वेश्चन समझ लीजिए इसको और एलिमेंट्री अर्थमेटिक बहुत लोग जो गणित से घबराते हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है कि मात्र पाँच क्वेश्चन उनको जो है मैथ के मिलेंगे इसी तरह से सामान्य हिंदी को भी काफ़ी लिमिट कर दिया गया है जो कि आप लोग का एक जो है सबसे अच्छा सेगमेंट होता था तैयारी का और इसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करते थे तो पाँच नंबर में मात्र जो है सामान्य हिंदी को समेट दिया गया है लेकिन इसके साथ जो है अपठित गद्यांश जोड़ दिया गया है अभी आगे उसको हम देखते हैं सामान्य अंग्रेजी का इसमें एक सेगमेंट डाला गया है जिसमें अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित जो है प्रश्न आएंगे और अपटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे कुल पाँच प्रश्न होंगे ये मिला जुला कर लॉजिक एंड रीजनिंग यानी शक्ति परीक्षण में जो है केवल पाँच प्रश्न आएंगे और इसमें भी आपको बिल्कुल जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किस तरह से टॉपिक्स होंगे तो यही टॉपिक्स आपको अभ्यास करने हैं और इसी में से जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे समसामायकी को अलग से लिखा है जबकि ये जीके के सेगमेंट में ही आता है तो वर्ल्ड और इंडिया का करंट अफेयर्स ये दस नंबर का होगा दस क्वेश्चन इसमें होंगे साथ में जी जो प्योर जी है सामान्य जागरूकता वाला ये जो है दस नंबर में इसको किया है तो इस तरह से आप देखेंगे तो पचपन अंक जो है केवल और केवल जीके के हैं बाकी चीज़ें अलग हैं हिंदी जहाँ पर पाँच अंक के बाकी टॉपिक्स थे वहीं पर जो है पाँच प्रश्न आएंगे अपृित गद्यांश पर आधारित और ये होंगे दस नंबर के यहाँ पर प्रश्न कितने हो जाएंगे क्योंकि दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे पाँच पाँच प्रश्न होंगे यानी कुल दस प्रश्न होंगे दो गद्यांश पे जो दस नंबर के हो जाएंगे फिर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण में दो ग्राफ होंगे प्रत्येक पे पाँच प्रश्न होंगे यानी दस प्रश्न होंगे तो ये ग्राफ जो है आप जानते हैं स्टैटिक्स वाला जो है ग्राफ होना चाहिए अभी यूपी टिपल ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही इसका एक मॉडल पेपर लॉन्च करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है होगा क्योंकि ग्राफ और टेबल में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन सभी की हो सकती है टेबल में भी दो है दो टेबल्स होंगी उस पर पाँच पाँच प्रश्न होंगे दस क्वेश्चन आएंगे तो ये जो है एक डिफाइंड सिलेबस है इनका और बस अब इंतज़ार रहेगा कि इनका जो है मॉडल पेपर कब आता है जिससे चीज़ों को और अच्छी तरह से समझा जा सके तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है ल्यूसेंट जी ले लीजिए ल्यूसेंट जी से जितने भी टॉपिक्स जी के दिए हैं वो पढ़ लीजिए और 10 नंबर का एक्सक्लूसिवली इसमें करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के लिए जो है आप हमारे संस्थान की भी जो है मंथली मैगजीन्स को ले सकते हैं बाकी जो लोग हमारे कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको वहाँ पर जो है उपलब्ध कराई जाएगी पूरे एक साल का जो है उसमें जब तक एग्ज़ाम होगा उसके पहले तक का जो है साथ में टेस्ट सीरीज भी उनको प्राप्त होगी अब कुछ जो है इन्होंने इसके साथ शर्तें भी रखी हैं उसमें जो है लिखा है कि क्रमांक एक से नौ तक तो नौ तक जो है जीके वाला पार्ट और उसमें हिंदी और प्लस अंग्रेजी तो इसमें क्या इनका कहना है इसमें जो है जो डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने रखा है उसके बारे में बताया है कि डिफिकल्टी लेवल जो है एन द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टेन और प्लस टू दोनों ही यानी दसवीं के स्तर का भी और बारहवीं के स्तर के भी इसमें सवाल आपसे पूछे जाएंगे सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और सबसे बड़ी बात है जो निगेटिव मार्किंग होगी और वन फोर्थ की निगेटिव मार्किंग होगी इसलिए एग्ज़ाम जो है आपको बहुत संभाल के देना पड़ेगा अभी जितने भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं वो तो जो है निगेटिव मार्किंग पर ही आधारित हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेबस में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो परेशान करने वाली हैं क्योंकि आप देखिए हिंदी का वेटेज कितना कम कर दिया गया है इसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज कितना कम कर दिया गया है अगर इसको देखा जाए तो हिंदी से मात्र पंद्रह नंबर मैथ से पाँच नंबर और रीजनिंग से पाँच नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे आएंगे अगर ग्राफ और टेबल भी जो है मैथ रीजनिंग से जुड़ी हुई तो जो है इसमें 10 10 अंक और बढ़ जाएंगे यानी ये जो है 15 15 नंबर के जो है होंगे तो कुल मिला के जो दारोमादार है पेपर का वो कुल कितना है जीके पर है जीके से जो है लगभग 50 प्रश्न जो आएंगे वो बहुत ही माने रखेंगे अपने आप में और बहुत ही स्कोरिंग होंगे साथ में निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर लेकिन इनका भी अपना महत्व तो रहेगा और जो अच्छी बात इसकी है वो ये है कि इसमें सिलेबस को डिफाइन कर दिया है आपके जो है सामने बिल्कुल क्लियर कट है कि किस तरह से सिलेबस आएगा लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए कि प्रश्न जो होंगे उनका कठिनाई का स्तर जो है अच्छा होगा क्योंकि जब इन्होंने एन की बात की है कि एन सी तक के क्वेश्चन आएंगे तो आप जानते हैं एन हम जो है यू की तैयारी तक के लिए पढ़ते हैं क्योंकि एन में जो कंटेंट है जो मटीरियल है उसका लेवल अच्छा होता है इसलिए शुरुआत जो है आप एन की बुक्स से भी कर सकते हैं ए जी के लिए इन सभी सब्जेक्ट्स की नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ की एन भी ले सकते हैं मैथ रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितने भी आपके सामने टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सभी आप जो है किसी भी एस एस लेवल की जो है जो टेन प्लस टू वाली बुक होती है इन टॉपिक्स को खोज कर उसके क्वेश्चंस को अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए एग्ज़ाम होने की संभावना जो है मई में है क्योंकि आप ये जानते हैं कि सरकार का चुनावी वर्ष है इसलिए जो है सरकार की भी ये कोशिश रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी जो है एग्ज़ाम कराएं पीटी का और उसके बाद जो है बाकी की भर्तियां जैसे लेखपाल है बाकी अन्य भर्तियां लिपिक की भर्तियां नर्सिंग सहायक वाली भर्तियां जो लगातार पेपरों में आप पढ़ रहे हैं वो सभी लगभग पचास हज़ार पदों की बातें की जा रही हैं तो उन सब भर्तियों को उनको दिखाना है ये चुनावी वर्ष है तो फिलहाल ये एक अच्छी बात हुई कि पीटी जो है लागू कर दिया गया है और पीटी का सिलेबस भी अनुमोदित होके आ गया है अब आपको पढ़ना है आप हमारे वीडियो प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं अगर आप जो है बहुत अच्छे से और सटीक तैयारी करना चाहते हैं ये जितना भी सिलेबस है सब हमारे उसमें कवर होगा सौ परसेंट जो है कवर कराया जाएगा और ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है हमारा 80 परसेंट से ज़्यादा कोर्स तैयार है आप एडमिशन लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर मई में एग्ज़ाम होता है या मैक्सिमम जून में भी होता है तब आपके पास बहुत समय नहीं है आपको जो है अभी से जुटना होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके सिलेबस पर इसकी तैयारी के बारे में और डिटेल्ड बात करेंगे कि किस सेगमेंट को कैसे पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है जल्दी ही जो इस पर एक पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद